थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, रे वाला बारिशेरी अंदर मरो, धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपका महिमा प्रकट होने के लिए धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आपका आत्मा मेरे अंदर है यीशु मसीह, प्रभु मैंने खुदा स्वयं आप मेरे अंदर होकर बात करते यीशु मसीह, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की, और मैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आपसे एक परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देगा, और जब मैं आज मैं बाइबल पढ़ रही थी प्रभु ने मेरे को एक शब्द में बताया है, और कितनी बार हम होते हैं कि हम चिंता कर लेते हैं कि पता नहीं कल हमारा क्या होगा, परसों हमारा क्या होगा, आज हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, चिंता हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु में होने के बाद भी हम चिंता करते हैं, तो कभी कभार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के उस वचन को हम देखकर अनदेखा कर देते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, तो प्रभु ने हम सबसे क्या वादा किया है, प्रभु ने बोला है मैं तुम्हारे को हर चीज़ को मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा, लेकिन उसके लिए एक क्या है, परमेश्वर ने एक डिमांड रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक बार करना है, कि नहीं कि परमेश्वर ने एक बार आपको क्या किया है, आदेश दिया हुआ है, तो आज हमारे हम क्या होते हैं, संसार में होकर हमारे को क्या होता है, आपको पता है हम एक मनुष्य होने के नाते हमारे को सब वस्तुओं का आवश्यकता है, हमारे को खाने के लिए आवश्यकता है, और पीने के लिए आवश्यकता है, और पहनने के लिए आवश्यकता है, ये क्या है, हमारा एक शरीर की एक आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर ने आपको एक कमांड दे रहे हैं, कि आपको एक आदेश दे रहे हैं कि क्या करना है, हाँ ये चीज़ परमेश्वर के, ये परमेश्वर देगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वचन को मैं लेकर आ रही हूँ आपके बीच में, मैं छोटा सा इस वीडियो को बना रही हूँ, तो आप लोग क्या करना है, इस वचन को ध्यान से सुनना है, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। तो मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 6:33, मत्ती 6:30, तो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे को मिल जाएगा। हालेलुया, बाइबल का वचन परमेश्वर ने हमसे क्या कर रहा है, वादा कर रहा है कि आगे क्या करना है, हम परमेश्वर की खोज में रहना है, परमेश्वर की उस उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर की उस आवाज के साथ हमारे को क्या करना है, उस आवाज को सुनना है, परमेश्वर हमारे से क्या बात कर रहा है, बोलते हैं हम परमेश्वर को एक खोजी होना है, अगर हम परमेश्वर हम चाहते हैं, हम मसीह के लोग हैं, तो अगर हम परमेश्वर की खोज में नहीं है, हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में हम नहीं रहेंगे, तो हम कभी भी क्या करेंगे, हमारी इस कमी को हमेशा हम देखेंगे। बाइबल बोलती है आगे क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर की राज्य क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के राज्य क्या है, हमारे अंदर है, परमेश्वर के राज्य क्या होता है, ये खाना पीना नहीं होता है, परमेश्वर की राज्य क्या है, शांति है। हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाएगा ना, पर बाइबल बोल रही है, मैं परमेश्वर ने वादा किए कर रहा है, ये चीज का तेरे को टेंशन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो किस किस चीज के लिए परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे 31 का पढ़ेंगे, फिर इसी से उसमें 6:31, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना क्या हम पहनेंगे, क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, तीन चीजों को बताया गया है, एक तो करना है खाने के लिए, एक पीने के लिए, और एक क्या है, पहनने के लिए। तो आज हमारी जीवन में क्या है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, हम हमारा खाने के लिए टेंशन होता है, हमारे पहनने के लिए टेंशन होता है, और हमारा क्या होता है, हर चीज पीने के लिए भी हमारे को टेंशन होता है। बाइबल बोलती है आप क्या करो, यहाँ पे बोलता है तुम जब होगा ये चीज, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो,
परमेश्वर का राज्य का खोज करना हमारे लिए बहुत जरूरत है। तो इसीलिए बाइबल चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप क्या करो, अच्छे से डाइनिंग टेबल में बैठकर बहुत ही अच्छा अच्छा व्यंजन को आप क्या करो खा सको, अच्छे अच्छे डिश को आप क्या करो खा सको। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तुम क्या खाओगे। जो हम खाना चाहते हैं परमेश्वर हमारे को देना चाहता है। और क्या पिएंगे, अब पीने के लिए आप सोचते होंगे कि पानी होगा, नहीं, परमेश्वर सबसे बेस्ट चीज पीने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। जैसे उसमें ये भी आता है, चाहे तो मैंगो जूस आता होगा, बनाना शेक आता होगा, हर चीज यानी दूध आता होगा, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता होगा, परमेश्वर ये आपको देना चाहता है। तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आज हम ड्रेस के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं कपड़ा कहाँ से आता है। परमेश्वर आपको देना चाहता है अच्छे अच्छे फैशन के साथ। अगर आप जेंट्स हो तो आपको परमेश्वर हमेशा कोट, हर हफ्ते में कोट को चेंज करके देना चाहता है, अच्छे अच्छे कपड़े, ब्रांडेड का कपड़े आपको देना चाहता है। लेकिन एक परमेश्वर ने एक आपसे क्या किया है, एक डिमांड, यानी कि आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। जब क्या करेंगे, बाइबल बोलता है कि जब होगा, इसीलिए कि पहले तुम परमेश्वर की राज्य की खोज करना है। तो अजी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच में अगर हम परमेश्वर में आकर भी अगर हम परमेश्वर की खोजी नहीं होंगे तो हमारे को बस, हम मसीह में तो हैं लेकिन हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। अगर सच में जो परमेश्वर को खोजता है, बाइबल बोलती है, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है, एक हीरा से भी कीमती है। अगर हम उसको ढूंढेंगे तो उसी में से हमारा क्या होगा, हीरा मोतियों का खजाना हमारे को परमेश्वर देगा। तो इसीलिए बाइबल बोलता है आपको अच्छे पहनने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा पीने के लिए, और क्या करते हैं, अच्छा खाने के लिए। तो हमारा चिंता कौन करता है, परमेश्वर यीशु मसीह करता है। इसलिए जो आपको आगे परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर की राज्य अगर आपके अंदर शांति है ना, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। अगर आज भी हम परमेश्वर में होने के बाद भी अगर हमारे घर में इस चीज का कमी है तो ये वचन झूठा होगा। लेकिन बाइबल बोलती है परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता है। ताकि हम क्या है, हमें झूठे हैं, हम इसके खोज में नहीं लगते, हम परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं लगते, लेकिन हम क्या करते, टेंशन हमारे को ये होता है हम क्या खाएंगे, क्या, तो हम पैसे के पीछे भागते हैं। हम क्या करते हैं, हम पैसों के पीछे जाते हैं, हम काम के पीछे भागते हैं। बस ये आज को भी कमाना है, तो शाम को भी कमाना है, सुबह भी कमाना है, कमाने के पीछे लगते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के पीछे लगते हैं। अगर आप लोग परमेश्वर के राज्य के, जरूरी है कि हमारे को कमाना है, लेकिन परमेश्वर के सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हम ब्लेसड होंगे, परमेश्वर ब्लेसड है तो हम क्या है, उसके संतान है। हम मेरा क्या है, राजा है, तो हम क्या होंगे, राजा के हम बच्चे हैं। तो आज हम क्या है, गरीब में आज भी क्या है, हम यीशु में होने के द्वारा भी हम इस खाने के लिए चिंता करते हैं। अभी भी कमी है, कितने घर में जाके देखोगे आप, क्रिश्चियन भाई बहनों के घर में जाके देखोगे, उनके घर में कमी है, क्योंकि उनको वचन को नहीं पता है। तो बाइबल बोलता है मेरा राज्य की खोज करना है, उसके उपस्थिति में रहना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसके साथ एक 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 अच्छा रिलेशनशिप रखना है। तो देखना परमेश्वर कैसे आपको इस चीज से ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मेरा होप है कि आप लोग इस वचन के द्वारा बहुत ताई से आपको आशीष मिलता है और मिली होगी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सच में सब कुछ चिंता को आप छोड़ दो, सिर्फ परमेश्वर के राज्य की तरफ आ जाओ। परमेश्वर आपको कभी भी भूखा नहीं रखेगा। परमेश्वर चाहता है आपका मेज में 36 प्रकार का व्यंजन तैयार हो जाए। परमेश्वर चाहता है आपको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे अच्छे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। ये पता है परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के राज्य हमारे शांति है, हम धीरज। आपको पता है जब हमारे अंदर शांति आता है तो हम सब कुछ धीरज के साथ हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर की बाट को जोते रहते हैं। इसीलिए आगे परमेश्वर की राज्य की हमारे को क्या करना है, खोज करना है। मैं विश्वास करती हूँ आप इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले,
सब कुछ है मसीह की। ओके।